बैक विद द व्लॉग। सो कैसे तुम सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो दिस द व्लॉग नंबर 5th और आज की डेट हो रही है 15th ऑफ जून 2023। और अभी टाइम कुछ हो रहा है 6:39 हो रहा है अभी, एक मिनट। तो अभी जो है कुछ 6:39 टाइम हो रहा है, शाम के हो रहे हैं। तो भाई देखो, मेरी जो है स्कूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 12 जून से। और मैं जो है आज कुछ 1 बजे दोपहर को जो स्कूल से घर पे आया था, एंड घर पे आके मैंने लंच किया। और लंच करने के बाद मैं सीधा अपनी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखने बैठ गया, बिकॉज कल जो है मेरी इकोनॉमिक्स की नोटबुक का सबमिशन है कल फ्राइडे को। तो उसके वजह से मैंने अपना पूरा इकोनॉमिक्स का काम कंप्लीट कर दिया। फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखे, मतलब यूट्यूब पूरा चिल वगैरह किया, रिलैक्स किया। फिर उसके बाद मैं कुछ 5:30 बजे के अराउंड मैं नीचे चाय पीने चले गया। और फिर जो है अभी जस्ट मैं जो है ऊपर आया हूँ 7:45 बजे। तो अभी जो है भाई मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अभी जो है मैं फिजिक्स का होमवर्क करने वाला हूँ। उसके अंदर जो हमारा चैप्टर 5th है मोशन, तो उसके जो है हमें कुछ इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए होमवर्क में, तो वो जो है मैं आज अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो वो मैं सॉल्व करता हूँ एंड देन आई गेट बैक टू यू गाइस। तो भाई अभी जो है मैंने अपना फिजिक्स का होमवर्क कंप्लीट कर दिया फाइनली। तो अभी जो है कुछ टाइम हो रहा है, अभी कुछ एग्जैक्ट 7:01 हो रहा है। और अभी जो है मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाने वाला हूँ। तो यूजुअली जब मेरा ट्यूशन नहीं होता है, यूजुअली संडेज को जो है मैं शाम के टाइम पे एक्सरसाइज करता हूँ। तो आज मेरे ट्यूशन में छुट्टी है, तो उसकी वजह से जो है आज मैं शाम के टाइम पे ही एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो चलो भाई मैं अपने बाजू के रूम में जाता हूँ और फिर जो है मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो भाई अभी फाइनली जो है मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और भाई मैं जो है बेसिकली आज थर्सडे, तो मैंने आज से लास्ट थर्सडे को एक हफ्ते पहले जो है मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। बेसिकली मैंने पहले जो है मैं 10-15 मिनट ही एक्सरसाइज करता था, जो कि भाई बहुत बेसिक्स थी। उससे तो भाई मेरा वेट लॉस होना जो है मतलब इम्पॉसिबल ही था। तो मैंने जो है एक हफ्ते पहले जो है ऐसे 20-24 मिनट्स तक के वर्कआउट स्टार्ट किया मैंने। तो इन द स्पेन ऑफ 1 वीक मैंने जो है अपनी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ऐसे ही मैं कंसिस्टेंटली हर रोज़ लगातार 1-2 महीने तक वर्कआउट करूँगा, तो मैं जो है काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर लूँगा। एंड आई एम डेफिनेटली मैं जो है बिल्कुल कंसिस्टेंटली वर्कआउट करने वाला हूँ अब से। The next day. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू गाइस। तो भाई ये दूसरा दिन है, आज की डेट हो रही है 16th ऑफ जून 2023। और अभी टाइम क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। सो टाइम अभी हो रहा है 12:24 हो रहे हैं दोपहर के। तो भाई आज जो है मेरी स्कूल की छुट्टी थी, बिकॉज बाइपर जो है साइक्लोन की वजह से कल रात को जो है फ़ोन पे मैसेज आया था हमारा जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है कि ड्यू टू बाइपर जो है साइक्लोन टुमारो विल बी हॉलीडे। तो फिर मैं जो है रात को कुछ 11:30 बजे के अराउंड सोया था और आज सुबह कुछ 9 बजे उठा मैं, बिकॉज आज तो स्कूल नहीं थी तो आराम से लेट उठा था मैं। तो उठ के फिर मुँह वगैरह धो के ब्रश किया, फिर नीचे ब्रेकफास्ट करने चला गया। फिर बाहर जो है मैं झूले पे बैठा था और अभी जस्ट ऊपर आया हूँ। एंड झूले पे भाई मैं इसीलिए बैठा था बिकॉज आज का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मस्त सा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत गजब की बारिश गिरी थी, उसका मैं वीडियो नहीं ले पाया, बट मैं तुम लोगों को अभी जो करंटली बाहर का वेदर है वो मैं तुम लोगों को अभी अपने रूम से दिखाता हूँ। तो भाई अभी खिड़की खोलते एंड देखो भाई ये बाहर का पूरा वेदर है, पूरे हवाई चल रही है एंड अभी नीचे बारिश गिरी थी। एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा जो है गीला गीला तुम लोगों को दिख रहा होगा,
तो बारिश गिरी थी अभी, तो भाई बारिश गिरी थी गजब की अभी थोड़ी देर पहले, और अभी बाहर जो है मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। थोड़ी दिनों पहले गांधीनगर में इतनी गर्मी थी कि मैं अगर 5 मिनट के लिए भी तुम एक रूम में बिना पंखे के खड़े रहोगे तो भाई तुम्हारी हालत पूरी पसीने से भीग जाओगे। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और भाई अभी जो है मैं क्या करने वाला हूँ, अभी भाई मेरे जो स्कूल के जो शूज़ हैं जो कि मैं यूनिफॉर्म के नीचे पहनता हूँ, तो वो जो है अभी मैं पॉलिश करने वाला हूँ। बिकॉज़ भाई मैंने लास्ट मंडे को 12 जून को जो है जिस दिन मैं स्कूल खुलने वाली थी उसी दिन जो है मैंने अपने शूज़ पॉलिश किए थे, एंड अभी जो है गंदे हो गए। बिकॉज़ भाई हमारे स्कूल में जो है हफ्ते में 3 बार पीटी का पीरियड होता है, तो जो वेनसडे और थर्सडे हमारे 2 दिन पीटी का पीरियड था, एक तो आज भी था, बट आज जो है ये स्कूल स्कूल के अंदर हॉलीडे इसीलिए नहीं हो पाया वो। तो पीटी के अंदर भाई क्या करते हैं कि हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, एंड फिर हमारे जो पीटी के सर है वो हमें जो है ग्राउंड में रनिंग भी करवाते हैं, तो उसकी वजह से जो है शूज़ भाई बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है मैं क्या करता हूँ, हर वीकेंड पे जो है अपने शूज़ पॉलिश करता हूँ। तो अभी जो है भाई मैं अपने शूज़ लेके आऊँगा और उसको जो है पॉलिश करने वाला हूँ अभी। बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो इसको मैं जो है अभी पॉलिश करने वाला हूँ। एंड ये जो है पूरी एक थैली जैसी है जिसके अंदर सब ब्रश फिर पॉलिश कपड़ा सब कुछ है, तो ये सब कुछ है भाई। ये देखो, ये मैंने जो है न्यू पॉलिश खरीदी है, ये कीवी कंपनी की ब्लैक लेदर शूज़ के लिए पॉलिश है। तो उससे पहले जो मैं पॉलिश यूज़ करता था वो जो है ख़त्म हो चुकी थी, तो ये जो है मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ की एज यू कैन सी। तो अभी बिल्कुल भी सील वगैरह कुछ भी नहीं तोड़ा है, तो अभी इसको तोड़ता हूँ मैं। तो एज यू कैन सी अभी इसको खोलते हैं, इसको इधर से दबाना होता है ऐसे, ये ओपन हो गई, ये वो पूरी अभी कुछ नहीं तोड़ा है, अभी इसको खोलते हैं ऐसे। ये रही भाई पॉलिश। अभी सबसे पहले कपड़े से भाई मैं अपने शूज़ पे जो भी मिट्टी वगैरह लगी इसको साफ कर देता हूँ। सी पूरी अच्छे से साफ हो चुकी है, ये वाले शूज की करते हैं। तो ये भी जो एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है, एंड नाउ इट्स टाइम टू पॉलिश द शूज विद दिस पॉलिश ब्रश। ये देखो, ये रहा ब्रश। तो अभी भाई मैं क्या करता हूँ, मैं जो है अपने शूज को पूरे पॉलिश कर देता हूँ, फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। बिकॉज भाई मैं अगर शूज़ पॉलिश करते हुए मैं तुम लोगों को दिखाने गया तो ये पूरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो ठीक है भाई, मैं अपने शूज़ को पॉलिश करता हूँ एंड देन फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई अभी देखो, अभी मेरे जो शूज़ है वो मैंने अच्छे से एकदम पॉलिश कर दिए। एज यू कैन सी पहले वो बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, बट अभी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं पॉलिश होने के बाद एकदम। सो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पॉलिश हुआ है वो। तो भाई अभी जो है फाइनली शूज़ वगैरह पॉलिश हो चुके हैं, सब कुछ मैंने जो है अंदर रख दिया है रैप अप करके। सो इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने शूज़ जो है स्कूल के वो एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। अकेले शूज़ ही नहीं, आप जो है अपने आप को भी एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, प्रॉपर एकदम यूनिफॉर्म सब कुछ अच्छे से पहन के स्कूल जाइए, एंड मतलब नहा के बात लेके एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन होके स्कूल जाइए। तो उससे क्या है कि आपका जो है पढ़ाई में ध्यान काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लगेगा, एंड उससे जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी जो है बढ़ता है। मैंने ये चीज़ जो है खुद एक्सपीरियंस की हुई है इसलिए मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ ये चीज़। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो है मैं अपना जो ट्यूशन का होमवर्क जो मुझे मिला था परसों, तो वो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। बेसिकली मैं कल करने वाला था ऐसा मेरा प्लान था, बट कल जो है स्कूल में मुझे क्वेश्चन आंसर्स लिखने का होमवर्क मिला एंड फिजिक्स का भी होमवर्क मिला, तो वो कंप्लीट करने के चक्कर में मैं अपना ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट कर ही नहीं पाया।
तो आज जो है मैं शायद से ट्यूशन जाने वाला हूँ, तो उसका जो होमवर्क है वो मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि बेसिकली जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है बायोलॉजी का, वो उसके जो है मुझे क्वेश्चन आंसर्स लिख के ट्यूशन में जाना है, तो वो जो है मैं फटाफट से अभी अपने ट्यूशन का होमवर्क करने बैठता हूँ एंड देन आई गेट बैक टू यू गाइस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई ये जो व्लॉग है ये मैं दो दिन के बाद अभी रिज्यूम कर रहा हूँ। तो भाई वो दिन क्या हुआ कि वो दिन मैं अपना फिजिक्स का मतलब अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स लिखने के बाद मैं कुछ 6 बजे के अराउंड ट्यूशन गया एंड भाई वो दिन लिटरली मैं 9:30 बजे रात को जो है ट्यूशन से घर पे आया था। और भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है डिनर किया और डिनर करने के बाद मैं सीधा सो गया। और भाई कल मुझे व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला बिकॉज कल मैं पूरा दिन बिजी था। तो कल जो है कल सैटरडे था इसीलिए कल मेरा स्कूल में हाफ डे था, तो सैटरडे को हम लोग 11:15 बजे को हम लोगों को छोड़ देते स्कूल से, तो स्कूल से घर पे एंड 12:30 बजे जो है मैंने अपना ट्यूशन का पूरा मैथ्स का होमवर्क किया एंड देन कल सैटरडे था तो इसीलिए ट्यूशन मुझे जल्दी जाना था, तो 5 बजे का टाइमिंग था, तो 4:15 बजे तक मैंने होमवर्क किया एंड देन फिर रेडी होके सीधा 4:45 बजे को ट्यूशन के लिए निकला और 5 बजे उधर पहुंचा और शाम के कुछ 7:30 बजे जो है घर पे आया। और कल मेरी मॉम का बर्थडे था तो उसका भी सेलिब्रेशन था रात को, तो हमने पूरे केक वगैरह काटी, पार्टी वार्टी करी। तो भाई कल तो है भाई पूरे दिन मैं बिजी ही रहा, कल बिल्कुल भी फ्री नहीं था कल मैं। और भाई अब आज जाके आज संडे को मुझे टाइम मिला है ब्लॉग करने के लिए, तो भाई अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ अभी, अभी बेसिकली आज बाल कटाने का प्लान है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो व्लॉग है जो कि मैंने अभी तक पूरा शूट किया है उसकी फुटेजेस सारी अपनी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके मैं जो है एडिटिंग करने में लग जाऊँगा। तो भाई अभी जो है मैं अपने फ़ोन से सारी व्लॉग की फुटेजेस अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करता हूँ और उसको एडिट करने बैठता हूँ। अभी जो है ये जो व्लॉग है इसकी आधी एडिटिंग जो है ख़त्म हो चुकी है, मतलब जहाँ तक मैंने शूट किया था वहाँ तक की पूरी एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है अभी। तो भाई अभी आपको मेरे बालों में चेंजेस दिख रहे होंगे बिकॉज अभी अभी मैं हेयर कट करा के आया हूँ, तो एडिट करने के बाद मैं जो है हेयर कट कराने गया था, आके नहाया धोया एंड लंच किया मैंने अभी, और अभी ऊपर आया एंड अभी जो है हम अहमदाबाद जा रहे हैं कुछ काम से। तो यस अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हेयर कट कराया मैंने, मतलब अब देखने में मैं अच्छा लग रहा हूँ पहले से। तो अभी जो है हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं पूरी फैमिली कुछ काम से, तो आई थिंक सो कि मुझे इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर देना चाहिए। तो भाई लोग अगर तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को भूले बिना लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना माई चैनल को। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन दिस इज दक्ष साइनिंग ऑफ, बाय। तक दिए कूद कूद के होवेगी बकी पलवण।